हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फ्यूरियस व्हील्स। दोस्तों आज मैं लेकर आऊं आपके लिए डिटेल कंपैरिजन वीडियो मारुति बलिनो वर्सेस टाटा अल्ट्रोस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोनों ही कार्स का डिटेल कंपैरिजन और देखें क्या कुछ फीचर्स ऑफर करती हैं ये कार आपको। सो गाइस, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं दोनों में से किसी भी कार को परचेज करना या फिर आप लोग कन्फ्यूज हैं इन दोनों ही कार्स में, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और दोस्तों दोनों ही कार्स की डिटेल रिव्यू की वीडियो के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोनों ही कार्स की डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफ़ी सारी स्टोरीज एंड अपडेट्स। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं कार के कंपैरिजन को और बात करते हैं सबसे पहले कार के प्राइसेस से। अल्ट्रोस पेट्रोल की रेंज स्टार्ट होती है 5.29 लाख से, जाती है 7.74 लाख तक। और बलिनो पेट्रोल की रेंज स्टार्ट होती है 5.63 लाख से, जाती है 8.96 लाख तक। और आपको बलिनो में डीजल का ऑप्शन नहीं आता है जबकि आपको अल्ट्रोस में डीजल ऑप्शन आता है। सो गाइस, ये तो था कार के प्राइसेस का कंपैरिजन। आप देख सकते हैं अल्ट्रोस पेट्रोल आपको थोड़े कम प्राइसेस में मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू बलिनो। और दोस्तों बात करते हैं अब नंबर ऑफ वेरिएंट्स की। तो अल्ट्रोस पेट्रोल में आपको मिलते हैं टोटल 11 वेरिएंट्स, जबकि आपको बलिनो पेट्रोल ऑफर करती है 6 वेरिएंट्स। और आपको बलिनो में 3 ऑप्शंस मिलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के। बात करते हैं डीजल वेरिएंट्स की, तो आपको अल्ट्रोस में 11 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जबकि आपको बलिनो में डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं आपको टाटा अल्ट्रोस ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफर करती है, तो आपको ज़्यादा बाइंग ऑप्शन टाटा अल्ट्रोस ही प्रोवाइड करती है। आप अपनी कन्वीनियंस और अपने बजट के हिसाब से टाटा अल्ट्रोस में वेरिएंट्स को पिक कर सकते हैं, जबकि आपको बलिनो में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलता है। सो गाइस, ये तो था दोनों ही कार्स के नंबर ऑफ वेरिएंट्स का कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ आपको एक आइडिया लग गया होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कार के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से, और सबसे पहले हम बात करेंगे कार के इंजन से। तो टाटा अल्ट्रोस में आता है आपको 3 सिलेंडर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 85 पीएस की पावर और देता है 113 एनएम कट ऑफ। जबकि बात करते हैं बलिनो के पेट्रोल इंजन की, तो बलिनो में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 82 पीएस की पावर, देता है 115 एनएम का टॉर्क। और बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑप्शन की, तो आपको दोनों ही कार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है जबकि बलिनो में आपको कार में सीवीटी का भी ऑप्शन आता है। और दोस्तों वहीं पे हम बात करते हैं कार की डीजल इंजन ऑप्शन की, तो टाटा अल्ट्रोस आपको डीजल इंजन भी प्रोवाइड करती है। तो टाटा अल्ट्रोस में आता है आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 90 पीएस की पावर, देता है 200 एनएम का टॉर्क। सो गाइस, अगर आप लोग प्लान करें डीजल कार को परचेज करना तो टाटा अल्ट्रोस आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। जबकि अगर हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, तो मैं आपको पेट्रोल में प्रेफर करूंगा मारुति की बलिनो, क्योंकि बलिनो में आपको ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलते हैं। सो गाइस, चलिए अब बात करते हैं कार की डायमेंशन से। तो बलिनो आपको 5 mm ज़्यादा बड़ी मिलती है कार की लेंथ में, जबकि आपको अल्ट्रोस 10 mm बड़ी मिलती है विड्थ में और 13 mm बड़ी मिलती है हाइट में। और दोस्तों बात करते हैं व्हील बेस की, तो आपको बलिनो में ज़्यादा बड़ा व्हील बेस मिलता है। वहीं पे हम बात करते हैं कार की बूट स्पेस की, तो आपको 6 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर करती है टाटा की अल्ट्रोस। और वहीं पे हम बात करते हैं कार के टायर साइज़ की, तो आपको दोनों ही कार में टॉप मॉडल में सेम ही टायर साइज़ मिलता है 195/55 R16 का। और दोस्तों वहीं पे हम बात करते हैं कार के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको बलिनो में 5 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है अल्ट्रोस से, आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो गाइस, ये तो थी कार की डायमेंशंस। आप देख सकते हैं बलिनो आपको ज़्यादा व्हील बेस प्रोवाइड करती है जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको कार के इंटीरियर स्पेस में देखने को मिलता है। बलिनो में आपको ज़्यादा अच्छा लेगरूम मिलता है कार की रियर सीट पे। और दोस्तों आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, टाटा अल्ट्रोस या फिर मारुति की बलिनो। सो गाइस, अब बात करते हैं कुछ उन फीचर्स की जो कि आपको सिर्फ टाटा अल्ट्रोस ही ऑफर करती है। सो गाइस, आपको आता है कार में JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम, साथ ही में आपको कार में टाटा की स्मार्ट की बैंड भी आती है। बात करते हैं कार के कंफर्ट के फीचर्स की, तो आपको कार में क्रूज कंट्रोल, कूल ग्लव बॉक्स और TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। रियर सीट के फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको कार में रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं, साथ ही में आपको आता है कार में रियर सेंटर आर्मरेस्ट और मल्टी ड्राइविंग मोड जैसे फीचर्स। दोस्तों ये वो फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ टाटा अल्ट्रोस ही प्रोवाइड करती है, ये आपको बलिनो के किसी भी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। सो गाइस, फीचर्स के मामले में तो टाटा अल्ट्रोस आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, आपको काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी फीचर्स देखने को मिलते हैं सेम प्राइस रेंज में। और दोस्तों वहीं पे हम बात करते हैं मारुति की बलिनो की, तो अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो कि आपको सिर्फ मारुति बलिनो ही ऑफर करती है। तो आपको आता है कार में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो कि आपको लिमिटेड वेरिएंट्स में ही मिलती है।
और आपको कार में एलईडी हेडलैम्प एंड टेल लैम्प्स भी आते हैं जो कि कार के एक्सटीरियर लुक को काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देते हैं। इंटीरियर स्पेसेस की अगर हम बात करते हैं तो व्हील बेस ज़्यादा बड़ा होने की वजह से कार में इंटीरियर स्पेसेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं और साथ ही में आपको वैनिटी मिरर विद लाइट और ऑटो डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो कि आपको सिर्फ बलिनो ही ऑफर करती है। सो गाइस बात करते हैं कार के फीचर्स के कंपैरिजन की तो टाटा अल्ट्रोज आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है सेम प्राइस रेंज में जबकि आपको बलिनो में इतने फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। और चलिए दोस्तों अब करते हैं दोनों ही कार के एक्सटीरियर्स को कंपैरिजन और करते हैं दोनों कार का क्विक ओवरव्यू। सो गाइस ये आप देख रहे हैं टाटा की अल्ट्रोज। टाटा की अल्ट्रोज की डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो आपको काफ़ी स्पोर्टी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं कार के एक्सटीरियर्स में और साथ ही में आपको काफ़ी शार्प एजेस भी मिलते हैं। और दोस्तों फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको कार में फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में आती है, साथ ही में आपको आते हैं कार में प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑटो हेडलैम्प फीचर्स के साथ में और कार में आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है कार की फ्रंट ग्रिल में और ORVMs में और विंडो की लाइनिंग में आपको पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि इस कार को काफ़ी अच्छा स्पोर्टी लुक देते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कार के ओवरऑल लुक की तो टाटा अल्ट्रोज आपको ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स प्रोवाइड करती है और ये आप देख रहे हैं कार का टेलगेट आपको डुअल टोन शेड में मिलता है कार का टेलगेट, साथ ही में आपको पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं कार के एक्सटीरियर्स में और कार देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। और दोस्तों आप लोग भी मुझे ऊपर वोट करके ज़रूर बताइए कि एक्सटीरियर डिज़ाइन में आपको कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगती है, टाटा अल्ट्रोज या फिर मारुति की बलिनो। और ये आप देख सकते हैं कार के टेल लैम्प्स, आपको टेल लैम्प्स में एक फीचर नहीं मिलता है मारुति बलिनो से, आपको हेलोजन टेल लैम्प्स ही आते हैं टाटा अल्ट्रोज में जो कि थोड़ा डिसअपॉइंट रहता है। आपको एक्सटीरियर में कहीं भी LED लाइट्स का ऑप्शन नहीं आता है। और ये आप देख रहे हैं कार की फुल साइड प्रोफाइल, कार देखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं मारुति की बलिनो की तो मारुति बलिनो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है और ये आप देख रहे हैं कार की रियर प्रोफाइल। टेल लैम्प्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको कॉम्बिनेशन LED टेल लैम्प्स आते हैं जो कि कार में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं, साथ ही में आपको रियर के टेलगेट पे भी क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि कार को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देते हैं जबकि आपको टाटा अल्ट्रोज में पियानो ब्लैक के इंसर्ट्स देखने को मिलते थे जो कार को स्पोर्टी लुक देते थे। सो गाइस अगर आप लोग चाहते हैं आपकी कार का स्पोर्टी लुक हो तो आपको टाटा अल्ट्रोज ज़्यादा अच्छी लगने वाली है मारुति की बलिनो से, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और साथ ही में रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है टाटा की अल्ट्रोज। और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं मारुति बलिनो की फ्रंट की प्रोफाइल की तो फ्रंट में भी आपको वही सेम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार के हेडलैम्प्स, आपको बलिनो में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं जबकि आपको दोनों ही कार्स में प्रोजेक्टर हेडलैम्प का ऑप्शन आता है और आपको टाटा अल्ट्रोज में हेलोजन हेडलैम्प आता है। और ये आप देख सकते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल, कार फ्रंट से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है, आपको काफ़ी सारे क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं कार के फ्रंट में। सो गाइस आप लोग मुझे वोट करके ज़रूर बताइए कि एक्सटीरियर लुक में आपको कौन सी कार ज़्यादा अच्छी लगी। सो गाइस चलिए फटाफट से चलते हैं दोनों ही कार्स के इंटीरियर्स में और चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। सो दोस्तों ये आप देख रहे हैं टाटा अल्ट्रोज के इंटीरियर्स। इंटीरियर्स की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको काफ़ी मिक्स इंटीरियर्स मिलते हैं टाटा अल्ट्रोज में, कहीं पर आपको सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, कहीं पर आपको थोड़े हार्ड एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं और कार के इंटीरियर से आपको काफ़ी सॉलिड फील आती है। और ये आप देख रहे हैं कार का डोर पैनल, आपको डुअल टोन शेड में मिलता है कार का इंटीरियर डोर पैनल और कार की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी अच्छा थ्रेड आपको मिलता है कार के डोर से। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार की फ्रंट सीट्स, आपको फैब्रिक सीट्स का ऑप्शन आता है, साथ ही में आपको फ्रंट एंड रियर में सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है जो कि कार के इंटीरियर के कम्फर्ट को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। और ये आप देख सकते हैं कार के सीट एडजस्टमेंट्स। और दोस्तों बात करते हैं कार के स्टेयरिंग व्हील की तो आपको टाटा अल्ट्रोज में फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है, साथ ही में आपको कार में क्रूज कंट्रोल्स भी आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कार का स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील का डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी सॉलिड ग्रिप आती है। और ये आप देख सकते हैं कार के AC वेंट्स, आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं, साथ ही में आपको दोनों ही कार्स में मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार का सेंटर पैनल, आपको 7 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है कार में। और दोस्तों साथ ही में सेंटर पैनल में आपको एम्बियंट लाइट्स भी मिलती हैं जो कि कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करती हैं, कार देखने में इंटीरियर से काफ़ी अच्छी लगती है, आपको ब्लू कलर की एम्बियंट लाइट आती है। और दोस्तों बात करते हैं कार के टच स्क्रीन की तो कार का टच स्क्रीन आपको काफ़ी इजी टू यूज़ मिलता है, इस कार में आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिलती है, साथ ही में आपको रिवर्स कैमरा की डिस्प्ले भी आती है रिवर्स कैमरा पार्किंग सेंसर्स के साथ में। सो फीचर्स के हिसाब से तो टाटा अल्ट्रोज आपको फुली लोडेड मिलती है और इंटीरियर की क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलती है। सो गाइस ये तो था कार का फ्रंट कैबिन, चलिए अब चलते हैं कार की रियर कैबिन की तरफ और देखते हैं रियर में क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं टाटा अल्ट्रोज में। सो गाइस ये आप देख रहे हैं कार का रियर डोर पैनल, आपको रियर डोर पैनल पे भी डोर आर्मरेस्ट मिलता है, साथ ही मिलता है आपको 1 लीटर बोटल स्टोरेज स्पीकर के साथ में। और दोस्तों आपको कार की और डोर की ओपनिंग भी 90 डिग्री मिलती है जो कि कार में इन एंड आउट काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है। और दोस्तों वहीं पे हम बात करते हैं रियर सीट्स के कंफर्ट फीचर की तो आपको कार में रियर सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है, साथ ही में आपको रियर AC वेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं मारुति बलिनो के इंटीरियर्स, आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कार के ड्राइवर साइड डोर पैनल की तो आपको ऑल ब्लैक डोर पैनल मिलता है, साथ ही में आपको मिलता है कार में 1 लीटर बोटल स्टोरेज।
और दोस्तों आपको कार में ऑल ब्लैक इंटीरियर्स आते हैं सिल्वर इंसर्ट्स के साथ में, और ये आप देख सकते हैं कार के इंटीरियर्स। कार के इंटीरियर की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो आपको कार में सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया गया जो कि कार के इंटीरियर के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। आपको कार में क्रोम एंड सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार के स्टेयरिंग व्हील। और बात करते हैं कार की सीट्स की, तो आपको काफ़ी वाइड एंड कम्फर्टेबल सीट्स मिलती हैं। आपको दोनों ही कार्स में फ्रंट सीट्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं और आपको लेग रूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है मारुति बलिनो में। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं कार का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो बलिनो में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देखने को मिलता है। कार का इंटीरियर का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं। टच स्क्रीन की अगर हम बात करते हैं तो कार में आपको 7 इंचेस की टच स्क्रीन आती है और ये भी आपको फीचर लोडेड मिलती है। इसमें भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा के साथ में आता है और आपको सारे ही कनेक्टिविटी फीचर्स ऑफर करती है कार की टच स्क्रीन। और दोस्तों वहीं पे नीचे आपको मिलता है कार में ऑटो एसी। ऑटो एसी के सिल्वर इंसर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं कार के फ्रंट कैबिन में। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं मारुति बलेनो का रियर कैबिन। आपको कार में ज़्यादा व्हील बेस होने की वजह से ज़्यादा अच्छा लेगरूम मिलता है और कार की सीट्स भी आपको वाइड मिलती हैं तो जिसमें आराम से 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कार के रियर डोर पैनल की, तो आपको रियर डोर पैनल पे भी 1 लीटर बोटल स्टोरेज मिलती है डोर आर्मरेस्ट के साथ में। सो रियर सीट के स्पेस के मामले में तो बलिनो में आपको काफ़ी अच्छे स्पेसेस मिलते हैं, लेकिन आपको कार में रियर सेंटर आर्मरेस्ट और रियर में एसी वेंट्स भी नहीं आते हैं मारुति बलिनो में। सो गाइस अगर हम बात करते हैं दोनों ही कार्स के इंटीरियर्स के कंपैरिजन की, तो मारुति बलिनो आपको ज़्यादा स्पेस एंड आपको क्वालिटी ज़्यादा प्रीमियम प्रोवाइड करती है, जबकि टाटा अल्ट्रोज में आपको ज़्यादा सॉलिड फील मिलता है कार के इंटीरियर से। सो गाइस ये तो था कार के इंटीरियर का स्पेस। चलिए अब बात करते हैं टाटा अल्ट्रोज वर्सेस मारुति बलिनो की। सो गाइस अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं डीजल प्रीमियम हैचबैक को परचेज करना और आप लोग चाहते हैं कार आपको फुली फीचर लोडेड मिले और कार के लुक्स भी आपको स्पोर्टी मिले, तो आपके लिए टाटा अल्ट्रोज काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और दोस्तों वहीं पर हम बात करते हैं मारुति की बलिनो की। सो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं पेट्रोल हैचबैक को परचेज करना और ज़्यादा स्मार्ट फीचर्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक अच्छी कार चाहते हैं जो कि पेट्रोल में चलने में अच्छी हो, आपको माइलेज अच्छा दे और फीचर्स भी प्रोवाइड करे, तो मारुति की बलिनो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और दोस्तों आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट हैचबैक कौन सी है, टाटा अल्ट्रोज या फिर मारुति बलिनो। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।